शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायगढ़ की खबर से। दो दिवसीय दौरे पर रायगढ़ पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने रविवार को बंजारी मंदिर में पूजा अर्चना की और सीएम साय ने कहा कि माता बंजारी के आशीर्वाद से ही सांसद से सीएम के पद तक का सफर उन्होंने तय किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा कि पिछली सरकार ने पीएम आवासों के नाम पर छलावा किया, जबकि दो दिन पहले पीएम मोदी 8,56,000 पीएम आवासों को उन्होंने मंजूरी दी है। आने वाले समय में और भी आवास बनेंगे। प्रदेश में सारा काम साय साय हो रहा है। सीएम ने छर्रा टांगर गांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख, पुलिया निर्माण के लिए सर्वे करने, पूंजी पथरा में 5 फैमिली क्वार्टर और बेरक साथ में तमनार को नगर पंचायत बनाने को लेकर घोषणा की। गणेश पूजन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि बंजारी धाम में यहाँ एक संत जी, माता जी और अंकुर गोंटिया जो यहाँ जमीन उपलब्ध कराने से लेकर अपने परिश्रम से भगीरथ प्रयास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचा है, वो भी हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनका भी प्रतिमा का अनावरण करने का हम सब लोगों को सौभाग्य मिला है। तो अब देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, एक छत्र रूप से शासन किए हैं 50 साल 55 साल तक, केंद्र में उनकी सरकार, प्रदेशों में उनकी सरकार, और आज उनकी गलत नीति के कारण विलुप्त प्राय हो जा रही कांग्रेस तो छटपटाहट स्वाभाविक है। जो लगातार सरकार में 55 साल तक रहे, आज उनके हाथ से सरकार छिन गई तो बिन पानी, मतलब पानी बिन मछली जिस तरह से तड़पती है वैसे कांग्रेसी तड़प रहे हैं, और इसलिए मतलब कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, 8 महीने में काफ़ी सुधार हुआ है पूरे प्रदेश में, सड़कों में, काहे कि पिछले 5 साल में नई सड़क की बात तो छोड़ी, मेंटेनेंस तक नहीं हुआ, लेकिन हम लोग आए हैं तो मतलब चिंता कर रहे हैं और सड़क सुधारी जा रहे हैं, बहुत जल्दी सभी सड़कें ठीक हो जाएंगी।